पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश दुनिया में अपनी पीतल की चमक छोड़ने वाला मुरादाबाद आजकल राम मंदिर के मॉडल के लिए जाना जा रहा है। पूरे देश भर में राम मंदिर के मॉडल को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और लगातार जो ऑर्डर है मुरादाबाद के व्यापारियों को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक व्यापारी है हमारे साथ में, जो लगातार अपना इसी तरीके के शील्ड बनाकर और मंदिरों का मॉडल बनाकर वो अपना काम करते आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से आखिरकार उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है शुएब शमसी। हमारी कंपनी का नाम है निजाम मेटल वेयर हाउस। कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से काम कर रहे हैं? सर, हम चौथी पीढ़ी हैं और हमारी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है 1946 से। अच्छा, आजकल किस तरह की डिमांड है जो आपके पास में राम मंदिर के जो मॉडल्स हैं इसमें क्या यूनिक है इस बार और किस तरह की डिमांड है? सर, ट्रॉफीज में तो हम लोग डील करते ही हैं एक जमाने से, लेकिन इस बार जो ट्रॉफी का लुक आया है वो राम मंदिर पर आया है। जितने भी लोग ट्रॉफीज देते आए हैं अभी तक, वो ट्रॉफीज न देके राम मंदिर का मोमेंटो सम्मानित कर रहे हैं। चीफ गेस्ट को, गेस्ट ऑफ ऑनर में राम मंदिर को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस तरीके की जो डिमांड थी इससे पहले भी कभी रही है? नहीं, इससे पहले तो डिमांड नहीं रही है, लेकिन इसी समय सबसे ज्यादा राम मंदिर की डिमांड है, क्योंकि 22 तारीख को जो सम्मेलन हो रहा है उसकी वजह से राम मंदिर को ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग। अच्छा, इस बार क्या अलग बनाया है, आप कहाँ से शुरुआत की, किस किस तरह के आपके पास में राम मंदिर के जो मॉडल है वो किस तरह के? सर, हमने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले राम मंदिर की ब्रास से। ब्रास में भी राम मंदिर है, एल्युमिनियम में भी है, फिर कॉस्टिंग ज्यादा आने की वजह से वुड में भी आए हैं, और जो खूबसूरती वुड में आई है वो किसी चीज में नहीं आई अभी तक। अच्छा, क्या कॉस्ट रखी गई है इसमें, किस तरह की कॉस्ट? सर, ये 200 रुपए से स्टार्टिंग है और लगभग 1,00,000 रुपए तक इसकी कॉस्टिंग है ब्रास में। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट मायने रख रही है इस तरह की जो मॉडल्स हैं उसकी डिमांड पर असर पड़ रहा है कॉस्ट के लेकर? नहीं, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब राम मंदिर का नाम आता है और लोग राम मंदिर देखते हैं तो वो कॉस्ट की परवाह नहीं करते हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग ऐड करा रहे हैं। सबसे ज्यादा खास बात इसमें यह है, राम मंदिर का मॉडल तो हमने बनाया ही है, तो इसमें लोग राम दरबार लगवा रहे हैं, राम जी की स्टैचू लगवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खास बात इसमें यह है सर कि इसमें लोगों ने मोदी जी की स्टैचू भी लगाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी स्टैचू इसमें साथ में लगवा रहे हैं। वो बोल रहे हैं राम मंदिर का सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है मोदी जी को ही जाना चाहिए, और मोदी जी की स्टैचू लगवा के लोग इसको सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आपके पास में ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह आप उनको पूरा कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्रेस है आपकी? सर, हमारा बिजनेस तो ऑल ओवर इंडिया में ही है, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई है, तो जो लोग ट्रॉफीज देते थे वो ट्रॉफीज में अब राम मंदिर को दे रहे हैं। क्या इन दिनों में, इन बाकी चंद दिनों में क्या डिमांड इसकी ज्यादा बढ़ी है या व्यापार में एक साथ उछाल देखने को मिल रहा है? जी सर, जब जाहिर है, जब मार्केट में कोई नई चीज आती है तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा परचेस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल होती है, और जब से हमने मोदी जी की स्टैचू इस पे लगाई है तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो ये थे हमारे साथ में शुएब शमसी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 22 तारीख में, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होनी है उसको लेकर लगातार लोगों में एक क्रेज बना हुआ है और राम मंदिर के मॉडल की लगातार डिमांड बढ़ रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आप